एक दूजे के वास्ते है। ये सुमन का तो मूड भी समझ में नहीं आता। अच्छी बात बोलना चाहती है या बुरी? बहुत बुरी। इतने कपड़े पिरस कर लिए कि कसरत ही कैंसर। ये क्या हो गया, दोनों को एक साथ साफ सूंघ गया क्या? क्या कष्ट है वो बुड्ढे को तुम लोगों से? इस बार क्या स्पेशल बन रहा है दादू? अरे ये है खास सरप्राइज। हाय दादू, फिर तो बढ़िया से सरप्राइज दे दीजिए जल्दी, कितनी देर से वेट कर रहे हैं हम। अरे बस बाबूजी। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? बाबूजी आप क्यों बना रहे हैं, मैं आ ही रही थी। चाची आप फिर से भूल गए ना कि दादू के खास डे पर स्पेशल खाना कौन बनाता है? बाबूजी एग्जैक्टली, इसलिए आप आराम करो क्योंकि आज के रसोई कमांडर हैं दादू। एग्जैक्टली, बाय। दादू मैं सब्जी ले आया। दादू वो खास मेहमान होंगे कितने? ओ दोनों भाई, उनकी पत्नियां और दो बच्चे, टोटल 6 लोग। दादू आपने आज के दिन जिसे बुलाया जरूर वो कोई बहुत खास लोग होंगे। हाँ बहुत खास। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल खान। तो अब एक काम करते हैं, इंस्पेक्शन पेपर पर कर्नल विजय के साइन लेकर जल्दी से डील क्लोज कर देते हैं। कर्नल विजय के साइन लेने होंगे जी। दरअसल डील की शुरुआत उन्हीं के कमांड के अंडर हुई थी और इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीजें भी उन्हीं के रहते हुए हुई थी, सो अप्रूवल भी तो उन्हीं का लगेगा ना जी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कर्नल विजय ने मुझे खुद बताया आप उनके अच्छे दोस्त है, तो जाइए उनसे जाकर फटाफट मिल लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, काम आपका है, सारी चीजें आपके हाथ में, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। जी सर। टेक केयर। थैंक यू। क्या हुआ जी, किससे बातें कर रहे थे? कर्नल खान का फोन था, उनकी तरफ से पेपर वर्क वगैरह सब क्लियर हो चुका है, डील आगे बढ़ सकती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपका मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों से जो हम चाह रहे थे अब वो होने जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा कविता, इतने करीब आकर एन मौके पर डील बिगड़ कैसे सकती है? मतलब अगर मुझे ये डील चाहिए तो कर्नल विजय से बात करके एक पेपर पे उनके साइन लेने होंगे। अब मैंने तो उस दिन इतना कुछ कह दिया था और फिर राजेंद्र ने जो किया उसके बाद मैं किस मुंह से जाऊं? खुश होने की गुंजाइश आप लोगों ने छोड़ी कहां? ये डील तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ कविता, ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी है, और अगर ये डील मुझे मिली तो आर्मी की एक और बहुत बड़ी डील मेरी हो सकती है। तब तो आपको उनसे जरूर बात करना चाहिए, वो आपके दोस्त हैं, समझ जाएंगे कि आपको उनकी मदद की जरूरत है। हाँ उस दिन के बाद तो मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन पता नहीं अब जाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं मतलब से आया हूँ। ना जी ना, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, देखो वो ना आपके बचपन के दोस्त हैं, आपकी नियत आपकी सीरत सब समझते हैं। मैं तो कहती हूँ आप उनके पास जाओ और दिल खोल के अपनी सारी बात कह डालो, सब ठीक हो जाना है। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अरे रागिनी मैं सोसाइटी ऑफिस जाकर रिटर्न एप्लीकेशन दे आता हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो उनकी फैमिलीज भी रहेगी, 5-6 गाड़ियां तो होंगी, वरना वो लोग पार्किंग को लेकर ना फिर से इशू करेंगे। अरे तुम लोग के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं भाई? अरे तुम लोग के एग्जाम तो हुए नहीं, ये रिजल्ट वाले चेहरे क्यों? अरे भाई चाचू बस एग्जाम्स की चिंता में। सोसाइटी का नोटिस लेटर कहाँ? गिव मी द नोटिस।
वीर कमाल से निकल चुका है मियाँ, अब छाती छीलने को तैयार हो जाइयो। आप ना अपनी तरफ से तो माफी मांगोगे, राजेंद्र और पूरे परिवार की तरफ से माफी मांग लेना। हाँ फिर ना तसल्ली से बैठ के अपनी सारी बात कह देना, देखना जी सब चंगा हो जाएगा जी। अरे हमसे इतनी भी क्या नफरत है? जस्ट बिकॉज आपके पास ताकत है आप किसी को भी परेशान कर सकते हो क्या? अरे राजेंद्र इतना आग बबूला क्यों हुआ पड़ा है? ये नोटिस देख के आग बबूला हो रहा हूँ भाई साहब, कह रहे हैं एक और गलती हुई तो इस सोसाइटी से निकाल देंगे, इस घर से निकाल देंगे। अरे ये मोहल्ला उनका है क्या? ये घर पूरा उनका है क्या? अरे आपने तो मेरा मुंह बंद कर रखा है भाई साहब, अब बिना गलती के भी जाके माफी मांगू क्या उनसे? ये है मुसीबत, अब इसके बाद कैसे जाऊं कर्नल साहब से बात करने? मियां तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लैला मजनू बनाए, इससे पहले सुमन को छोड़ो और एक ऐसी लड़की ढूंढो जो ना कि इस कॉलोनी की हो ना कि स्कूल की हो। जा तो एक काम करो, सीधा जाके यूएस में से किसी को पटा लो। एसआर के ने तो बोला था पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, या तो कायनात चपेड़ में चपेड़ लगा रही है। शांत हो जाइए जी, देखिए भाई साहब अभी कहीं निकल रहे हैं, बाद में बात कर लीजिएगा। नहीं मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। ओहो जी, ओहो कितना चंगा हुआ तुसी यहीं हो, वरना आपका मोबाइल यहीं छूट जाना था। वो चक्कर लगाने जा रहा था मैं, मौसम बहुत बढ़िया है ना। देखो मियाँ अंकल मियाँ भी कितने समझदार हैं। हेलो ब्रिगेडियर साहब, जी सर बोलिए। आज मेरे आर्मी का कमीशन डे है, यानी खर्च हो, यूं समझो मेरे लिए खास दिन है जी। अच्छा, इसलिए हर साल की तरह घर पे दावत रखी है, हमेशा की तरह कुछ करीबी दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, इसलिए आप परिवार के साथ लंच पे आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी बात है सर, हम आपके। अरे आप विजय के खास दोस्त हैं, और फिर हमारे बच्चे साथ पढ़ते हैं, आप पड़ोसी भी हैं, इसलिए चाहता हूँ कि दोनों परिवारों की दूरियाँ कुछ कम हो और रिश्ता मजबूत हो। जी ठीक है, हम पहुँच जाएंगे और फिर मिलते हैं। आप ही का घर है, 1:30 बजे के बीच करीब आ जाइएगा। जी बिल्कुल सर, अपना ही है, हम आ जाएंगे। शुक्रिया। एक बार यहाँ पहुंचो तो सही, फिर दिखाता हूँ कि मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। ये दिमाग की बीमारी है क्या बीबी को? मतलब ब्रिगेडियर साहब को पहले तो नोटिस भेज दिया, अब फोन पे इनविटेशन दे रहे पार्टी का, मतलब क्या है? नोटिस तो कमेटी के ऑफिस से आया है ना, हाँ? हो सकता है कि बीबी, हाँ? मतलब ब्रिगेडियर साहब की जगह किसी और ने कमेटी से ये नोटिस भेजा हो ना, अब उन्होंने हमें बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। हाँ जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, वहाँ जाके साफ साफ सारी बात होगी तो सब ठीक हो जाना है। ठीक है, जब आप लोग ने तय कर लिया है तो चलते हैं। जाना चाहिए क्योंकि मैं खुद ही हैरान हूँ कि उन्होंने सामने से खुद ही फोन करके हमें बुलाया। एसआर के बिल्कुल सही बोला था, ऐवे थोड़ी ना मैं उसका फैन। ढील दे मियां, ढील दे। भैया तबीयत वबीयत तो ठीक है ना, चल पाओगे पार्टी में? चलो फिर हम सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें वहां सही टाइम पर पहुंचना चाहिए। और सुनो वहां जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना प्लीज, वो बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं। हाथ देना इनकी भी, पार्टी में जा रहे हैं वहां पे डिसिप्लिन का आचार डालना हमने। अरे छोड़ो भाभी, इन लोग का तो आचार भी पानी में डलता है। मैं भी यही किया करूंगी, अपने कमीशन डे को अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट। एक फौजी के लिए इससे खास दिन और कौन सा होता होगा, और एक लड़की के लिए इससे ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है? क्या बहनू।
कपड़े ऑब्वियसली. अरे वो येलो फ्लोरल पहन ले, दोपहर में अच्छी लगेगी. तू ना रहने ही दे. और प्लीज तू भी ये बोरिंग सी ड्रेस छोड़ के कुछ नया पहन ले. और वैसे भी तेरे पास तो तेरी नई रेड ड्रेस भी है ना. ओ वो तो श्रवण ने तुझे दी ही नहीं. हाँ तो अच्छा है कि नहीं दी, अगर देता तो अजीब लगता. अच्छा चल ठीक है जो भी है, प्लीज ये डल सी ड्रेस मत पहन. मेहमान आ रहे हैं, ऐसे तो तैयार हो कि कॉम्प्लीमेंट्स मिले. एक्सक्यूज मी, मैं दूसरों के लिए ड्रेस अप नहीं होती. मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती. कंफर्ट नहीं बहन, स्टाइल देख. और ये पहन, और ज्यादा बन मत. कॉम्प्लीमेंट्स ना सबको अच्छे लगते हैं. अरे मिया बटोर तो ली, इतनी सारी तारीफ है जो शर्ट पहन के. अभी जीरा दूसरों की भी तो किस्मत आजमा लियो, एक लास्ट पर ट्राई कर ले. अबे बात इसकी किस्मत की थोड़ी ना है, ये तो मेरी लकी शर्ट है. और आज तो दोनों फैमिलीज का मिलाप भी होने वाला है यार. मेरी सुमो कुछ खास बात बताने वाली है, आज रिस्क नहीं लूंगा. ऑल द बेस्ट मिया. ए लक कैसा रहा? एकदम ही स्मार्ट. अच्छा वैसे अंग कैसे लग रही है? 12:50. अबे 10 मिनट रह गए, फैमिली को इकट्ठा भी तो करना है. अबे मैं कहाँ गया? अरे हम कैसे लग रहे हैं जो तो बता के जाता. वाओ दादू, आप तो हर साल और भी हैंडसम होते जा रहे हो. वैसे पापा आपके स्पेशल गेस्ट कब तक आ रहे हैं? हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिसिप्लिन के जरा कच्चे हैं. पक्का बाबूजी की दोस्त है ना? आगे शायद सुमन जी. तुम? हाँ मैं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दद्दू का स्पेशल डे, लंच पे आया हूँ. तो बोला तो था ना कि दादू के खास मेहमान आने वाले हैं. तुम क्यों आ गए बिन बुलाए? अब तुम जाओ यहाँ से. लंच करके जाऊंगा. अरे सुमन आ गए? नहीं वो दादू बस. हाय दद्दू. बाकी सब कहाँ हैं? ये है बाबूजी के खास मेहमान. आज के स्पेशल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रिगेडियर साहब. थैंक यू. आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे. पापा ने आज हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है. इतने दिनों बाद आप लोग से इस तरह से मुलाकात होगी. हुंदा है जी हुंदा है. कोई नहीं, हम आज मिल लिए. अच्छा जी ये ना बंटी है, श्रवण का दोस्त, आजकल हमारे साथ ही रह रहा है. हाँ हम इसे जानते हैं. अच्छा कि आपने इसे ले आया अपने साथ. हेलो. अरे भाई अब बाहर ही खड़े सारी बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलते हैं? बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रहा है. आइए. अरे अंजलि बिना कुछ चाय वगैरह तो लाओ. जी जी बाबूजी अभी लाते. वैसे क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे दद्दू की स्पेशलिस्ट मेरा नाम ही नहीं होगा. सुमो जब सच्चे दिल से कुछ चाहो ना. मैं तो अब तक हैरान हूँ कि ये हो कैसे गया. अरे मेरी भी यही हालत थी जब दद्दू का फोन आया. पर सोचो ना दद्दू के इस स्टेप से हमारे दोनों की फैमिली कितनी पास पास आ जाएंगी ना. वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो.
और ये हेयर स्टाइल और ड्रेस भी जच रही है तुम पे। कॉम्प्लीमेंट था, सबको अच्छे लगते हैं। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो आज। थैंक्स। वैसे तुम फोन पे क्या बताने वाली थी? यहाँ थोड़ी अकेले में बताऊंगी ना, बाद में। सुमन, पहले मिलके खास बात, अब अकेले में। जरा धीरे धड़क यार, कोई सुन लेगा। कंचा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जे ड्रेस, जे हेयर सूट हो रही है। थैंक्स। अबे हम कोई दो मीठे शब्द बोलने में सबको कीड़े क्यों कटते हैं? तू बैठ के रो, मैं अभी आया। कंचा। बाय गॉड, तुम लोगों दादू के खास मेहमान, और तुम लोगों के लिए इतनी तैयारी की है। सच में इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। ए कंचा, इतने भी गए गुजरे नहीं हम। अरे तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कल वाला सरप्राइज कैसा लगा? आज तुम लोगों को यहाँ देखकर जितनी हैरान हुई हूँ उससे थोड़ी कम हैरान मैं कल थी। और सुमन फुल सेंटी हैरान। हाँ यार, फुल ऑन शर्मिंदा। आई मीन ड्रेस घर पे आई वो भी रेड, तो लगा सुमन के लिए सरप्राइज होगा, पर वो तो। अरे अब तुम हैरान मत हो, गलत फहमी थी, हो गए। वैसे भी तुमने आंटी के लिए जो किया बहुत स्वीट था। लो बेटा काजू, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। लो। बहुत अच्छी हो आंटी जी। अरे आ गई मिया, हो गई बात, क्या बोली? अबे कुछ ना ही बोले तो ठीक है। वो जो मम्मा के लिए रेड ड्रेस ऑर्डर नहीं की थी मैंने, सुमो को लग रहा कि वो मैंने उसके लिए मंगवाई थी। अबे अजीब बावली लड़की है, लेकिन ऐसे क्यों सोचा? पंटी दिमाग लगा, मेरी वजह से सुमो ने अपनी रेड ड्रेस डमरू को दे दी, और जब मैंने मम्मा वाली रेड ड्रेस यहाँ मंगवाई ना तो उसे लगा कि वैसे मिया जो तो मस्त आइडिया है। वैसे अपन को जीत करना चाहिए था मिया, दो ही ड्रेस मंगवानी चाहिए थी। बेस्ट। अबे चप्पड़ गंजू, ये आइडिया पहले दे सकता था। हद दे मिया, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी सुमन, तुम्हारा सरप्राइज। और हमने जो पहले कहा था ना कि पार्सल अपने घर मंगवाओ। श्रवण, श्रवण जरा सुनो तो। अब जाओ मिया, शर्मिंदा हो क्या जियो? नहीं हो पाऊंगा यार, जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी इतनी तुम्हें से फेल हो जाऊं, क्या बोल रहे? सुबह से बताना चाहती हूँ, अब चांस है तो आ नहीं रहा। सुबह से वेट कर रहा था इस पल का, वो बुला रही तो समझ नहीं रहा मुंह कहाँ छुपाऊं। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ इन लोगों का, अब आ गए हैं तो अच्छे से खातिरदारी करूंगा। पंखे सोफे बोर ही हो रहे हैं, की गल करा, मौन व्रत ही ले लिया सबने। आप लोग चाय नहीं लेंगे? हम बेबक चाय नहीं पीते, ये आप लोगों के लिए। वैसे आपकी ग्रुप स्टडी की क्लासेस कैसे चल रही हैं कल साहब? अच्छी चल रही हैं, और श्रवण भी काफी तेजी से सीख रहा है, अगर उसकी दिलचस्पी एनडीए में होती तो वो भी क्लियर कर लेता। ठीक है, कहाँ कर्नल साहब,
इतनी डिसिप्लिन कहाँ है उसमें? बस उसी की थोड़ी कमी है, दिमाग तो इतना तेज है कि कई बार हमें भी हैरान कर देता है। बहुत हैरान। मुझे तो लगा कि उसने घर में डिसिप्लिन ना देखा ना सीखा तो यहाँ क्या टिक पाएगा, मगर आपके बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। समझ ही नहीं आ रहा हमारी बुराई कर रहे हैं या श्रवण की तारीफ। दद्दू, खाने के बारे में। हाँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज्ड। क्या बात? दद्दू, खाने का एक तिनका भी बर्बाद हो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए एग्जैक्ट 6 लोगों का हिसाब आपने बताया, पर ये एक्स्ट्रा बांटी। हिसाब बिल्कुल बराबर है, हो सकता है शायद इसमें से भी खाना बच जाए, तो घबरा मत। ए बंटी, कहीं क्या सीढ़ियों में तो नहीं है? हाँ, ये क्लियर है रास्ता। भैया, सुमन दी कब से आपको बुला रही है, अब जा क्यों नहीं रहे हो? तेरे गान बजते हैं क्या? कुछ भी ले, खुद ही पूछ लो, पीछे खड़ी आपके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.